वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। आज मेरा रिव्यू होने वाला है एक काफी अच्छे सोप के बारे में, जो कि एक एंटीसेप्टिक सोप है। एंड गाइस, ये है हमारा सेवलॉन का ग्लिसरीन सोप। ये सोप स्पेशली उनके लिए है जो एक एंटीसेप्टिक सोप चाहते हो, हैंड की स्किन ड्राई हो चुकी है, या फिर अच्छा ग्लिसरीन सोप चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रह सकते हैं। सो गाइस, ये सोप अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, 125 ग्राम का सोप, इसका प्राइस 48 रुपीज है। शेल्फ टाइम इसकी 3 ईयर्स की है। इसके छोटे साइज में अवेलेबल है, जो कि 10 रुपीज के आपको इजिली किसी भी लोकल स्टोर्स में मिल जाएंगे। ये आपको अमेजोन में भी कॉम्बो में मिलेगा, सिंगल पीस नहीं परचेज कर सकते, कॉम्बो में आपको परचेज करना पड़ेगा। एंड इवन ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इसका 5 से 6 का कॉम्बो था, जो कि मैं काफी यूज भी कर चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ तो गाइस, सेवलॉन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करती है और काफी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है इंडिया का। अगर बात करें गाइज इसके इंग्रीडियंट्स की, तो इसमें सोडियम पैलमिनेट, एक्वा ग्लिसरीन, सोडियम पैलम कैरेमेट क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके के केमिकल है। बाकी सोडियम लॉरियल सल्फेट मिक्स नहीं है, पैराबेन मिक्स नहीं है, इस तरीके के केमिकल नहीं है। इसमें ग्लिसरीन है, जो कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा और अपकमिंग विंटर्स पे अच्छे से वर्क करेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, स्किन पे कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ह्यूमन स्किन के लिए सेफ है, जिसको टेस्टेड है ये प्रोडक्ट। अगर बात करें गाइज इसकी पैकेजिंग की, तो ये इस तरीके की पैकिंग में आता है। अंदर आपको इस तरीके का जेल बार टाइप का ऑरेंज सोप मिल जाएगा। स्मेल, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, काफी टैंगी टाइप की स्मेल है, बहुत अच्छी लगी। बाकी ये बहुत अच्छे से लेदर क्रिएट करता है, बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसको आप एज अ हैंड सोप भी यूज कर सकते हो, एज अ बाथिंग बार भी यूज कर सकते हो। मैं इसको बाथिंग बार के तरीके भी यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करता है। बाकी इसकी खास बात यह है कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन से दाने हो रहे हैं बॉडी पे, पीठ पे एक्ने हो रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन के दाने, फोड़े, फुंसी, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बॉडी के इन्फेक्शन को बहुत कम करने में मदद करेगा। ये बॉडी के इन्फेक्शन को कम करता है और काफी अच्छे से ये वर्क करता है। इवन अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल वाला है, गर्मी की वजह से हो रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी इस समय की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सोप मस्ट है घर पे, हैंड वॉश मस्ट है, हैंड वॉश आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर हैंड वॉश नहीं परचेज करने, तो आप इस तरीके के सोप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू सेवलॉन ग्लिसरीन सोप के बारे में। इसके और भी वेरियंट के मैंने रिव्यू शेयर किए हुए हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे अफोर्डेबल सोप्स के रिव्यू किए हुए हैं, वो आप चेक जरूर कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।